क्वेश्चन सीजीएल 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो पेन है उसका कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो चलिए इसको सोचते हैं, इस क्वेश्चन को हम आप मिलके। यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि सोल्ड करता है आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। यहाँ पे एक आदमी को 15% का लॉस होता है। आप दिमाग में आप सोच लिए कि मान लो कि 100 कॉस्ट प्राइस है, लॉस होता है यानी कि 85x। आप एक्स मान लो कि एक्स जो है 85x पे वो बेचता है। अब आगे बोल रहा है, हैड बी सोल्ड इट फॉर 30.60 मोर। अगर वो 30.60 मोर पे बेचता है तो उसे 9% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, आपको मिल गया कि 85x पे वो बेच रहा था तो 15% का लॉस हो रहा था, ठीक है? हमारे दिमाग में ये भी था कि 100x ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ 85x यहाँ से आपको लिखना है 85x, ठीक है? और प्लस अगर वो 85x तो लेता, लेकिन जितना बेचा वो तो 85x है, लेकिन अगर वो 30.60 अगर ज़्यादा लेता तो उसको 9% का प्रॉफिट होता है। तो 100 तो कॉस्ट प्राइस है और 109x इतना का प्रॉफिट होता, ठीक है? यानी कि इसका वैल्यू क्या है, अगर 30 रुपये ले लिया तो इसका टोटल का वैल्यू 109x हो जा रहा है, क्योंकि 9% प्रॉफिट कब होगा, जब 100 का चीज़ 109 में बेचेगा, ठीक है? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ 15 और 9, 15 और 9 क्या हो जाएगा आपका 24, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, 24x इज इक्वल टू 30.60, x इज इक्वल टू 30.60 डिवाइड बाई 24, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि अगर वो गेन 10% करना चाहता है तो कितना में सामान बेचेगा। तो आप बताए कि गेन अगर 10% करना है उसको, तो यानी कि तो जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम पुट कर देंगे इंटू 30.60 डिवाइड बाई 24, ये हो जाएगा सीपी, ये हो गया सीपी। लेकिन इस पे हमको 10% गेन करना है, यानी कि 110, 100 से 110 हमें गेन करना है। तो सोल्ड सेलिंग प्राइस क्या होगा, समझ रहे हो ना? 100 कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट फिर से जो भी ये वैल्यू है, इसका वैल्यू इतना का वैल्यू, ये 100 मैंने मान लिया तो 110 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको कटा दिया, ठीक है? अब यहाँ से आप चाहो तो और भी क्या चीज़ें कटा सकते हो, इसको सॉल्व करना करते हैं, देखते हैं। 11 से ये कटेगा नहीं, ठीक है? तो इसको मैं ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। देखो इनमें से जितना आप लिखना कम, मतलब जितना आप लिखना कम करो उतना आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा, जितना आप कम लिख पाओ, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ ये हटा के, ठीक है? क्योंकि 100 ऑलरेडी इंटू यहाँ 24 और इंटू 11/10 था ना? 10 से आप इसको भी कटा सकते हो, क्या 24 से ये कटेगा? 24 एकम क्या होता है, 24, ठीक है? 24 एकम 24, और क्या बचेगा यहाँ पे, 66। तो आई थिंक कि 66 नहीं कटेगा, है ना? 66 नहीं कटेगा इससे। तो हमारा अगर शॉर्ट इसको करें तो 11 से कितनी बार में कट जाना चाहिए, 22, 11 से 11, 11 से ये कटने वाला नहीं रहा। तो देखते हैं 12, ठीक है, 2 से कटा के देखते हैं, और 15 एंड 3 153। तो पॉइंट में तो आंसर आ रहा है इसका, जहाँ तक लग रहा है मुझे पॉइंट में ही आंसर आएगा, और 153, तो 386 एंड 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अब इसका आंसर पॉइंट में ही आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है। अगर आप 12 से डिवाइड दो, ठीक है, तो एक तो आ रहा है 12 का 12, 48 आएगा, बच्चों 48, यानी कि ऑप्शन तो ये सही हो जाएगा। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है? अब 3 बचेगा तो यानी कि 0, और 30 यानी कि 0.2, ठीक है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसीलिए पॉइंट में आंसर आएगा, थोड़ा सा पॉइंट में, इसलिए बाकी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, कैलकुलेशंस लास्ट में मतलब बहुत माइनर कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं है। मुझे लगा कि वो कॉस्ट प्राइस रखने से शायद पूरी तरह से कट जाए, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कट रहा, तो पॉइंट में ही आंसर इसका आ रहा है। तो चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं।